डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ फ्री हैंड स्केच ऑफ आई और हुक फाउंडेशन बोल्ट। आज हमें आई और हुक फाउंडेशन बोल्ट बनाना है। बहुत ही इजी है बोल्ट। सबसे पहले वी विल ड्रॉ द सेंटर लाइन। एक हम वर्टिकल सेंटर लाइन ले लेंगे यहाँ पर। वी विल ड्रॉ वर्टिकल सेंटर लाइन। इसके बाद हम यहाँ पर एक ओरिजेंटल सेंटर लाइन ले लेंगे। ये सेंटर पॉइंट रहेगा और यहाँ पर हम डायमीटर सपोज हम 20 लेके चलते हैं क्वेश्चन में, तो 10 लेफ्ट साइड 10 राइट साइड हमने निशान लगा लिया डायमीटर पे, 10 लेफ्ट साइड और 10 राइट साइड। तो डायमीटर को हम, ये डायमीटर वाली लाइन हो जाएगी, और यहाँ पर भी डायमीटर वाली लाइन हमने ले ली 10 10। अब क्या करना है इसको बनाने के लिए, दैट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक रेडियस ले लिया आपने, कुछ भी, सपोज आपने 8 रेडियस ले लिया, अगर 8 या 10 एज यू विश, कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी एक रेडियस ले लो। एट या टेन लेके एक सर्कल मार्क कर लो। जितनी भी आपने रेडियस ली है, सपोज 8 या 10 जो भी आपने लिए है, सपोज आपने 10 रेडियस लिए है, तो 10 के बाद इसमें 20 और ऐड कर दो, जितना आपने डायमीटर लिया है, रेडियस प्लस डायमीटर। तो मैं 20 और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। जितनी भी आपने, सपोज ये रेडियस आपने 10 ली थी और ये डाया 20 मीटर, तो रेडियस प्लस डायमीटर, तो अगर ये 10 है तो 20 ऐड करके कितना हो गया 30। तो अब आप 30 रेडियस लेके दूसरा सर्कल, पहले सर्कल आप डार्क नहीं करेंगे ऐसे। अब इसको फ्री हैंड मिलाने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं मिला रहा हूँ, ये डायमीटर की लाइन है, तो यहाँ से फ्री हैंड, ऐसे, और यहाँ से भी फ्री हैंड, और यहाँ से हम हुक को क्लोज कर देंगे। इसको हुक को हमने क्लोज किया, अब हम सर्कल को बिल्कुल डार्क कर देंगे, रिमेनिंग सर्कल हम बिल्कुल डार्क कर देंगे इसका, ताकि हमें हुक क्लियर दिखाई दे, और ये वाला भी। और यहीं पे हम इस सेंटर से नीचे रख के थोड़ा सा लगभग 2 mm का गैप देके और इसको टच कर लेंगे नीचे, एक सर्कल और इसके अंदर बना देंगे हम। अंदर की तरफ ये हुक है, हुक के अंदर ये रोड है, यहाँ पर ये रोड फंसा दी गई है नीचे की तरफ, ओरिजेंटल रोड ऐसे है यहाँ पर, और ये हुक बन गया आपका क्लियर। अब इस हुक के बाद आप यहाँ पर शुरू करेंगे इसको, बोल्ट को बनाना। सपोज सबसे पहले मशीन का लेग पार्ट लेके आएंगे आप, मशीन का लेग पार्ट आपको बताया मैंने, बता रखा है 40 सेंटर से 10, सपोज यहाँ से मैंने स्टार्ट किया 10 20 30 40, ऐसे यहाँ पर 10 20 30 40। इसके बाद यहाँ से मैंने बताया था आपको 15 mm ऊपर ले लेते हैं हम, ये मशीन का लेग पार्ट है, ऐसे यहाँ से भी हम 15 mm ऊपर ले लेंगे, और इसके बाद इसको मिला देंगे पूरा। मशीन का लेग पार्ट है और इस, चूँकि हम सेक्शनिंग व्यू बना रहे हैं, तो ये हमें अलग दिखना चाहिए, मशीन का लेग पार्ट और बोल्ट दोनों। इस तरह से हम इसको ले लेंगे और यहाँ पर हम सेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे 2H पेंसिल 45 डिग्री विद द हेल्प ऑफ स्केल और ड्राफ्टर। 45 डिग्री पर 2H पेंसिल से और स्केल का यूज करके 3 3 mm का गैप देते हुए। इसके बाद हम यहाँ पे वाशर बनाएंगे। वाशर की थिकनेस कितनी है? 3 mm, 1 2 और 3। वाशर की थिकनेस हम 3 mm लेते हैं बच्चों, और वाशर कितना रहेगा आपको मैंने बता रखा है, लगभग लगभग वाशर सेंटर लाइन मार्क ले लिया यहाँ पे, वाशर को हम 20
25 इस तरफ ले लेंगे, 10 20 और 25, और यहाँ से भी 10 20 और 25। ये वाशर है, ये वाशर ले लिया हमने, ये वाशर है, और वाशर के ऊपर हमें बोल्ट लेना है, नट लेना है नट। अब नट की थिकनेस कितनी होती है, 0.8D मैंने आपको बताई हुई है, नट की थिकनेस कितनी होती है 0.8D। तो 0.8 × 20 हमने डायमीटर लिया हुआ है, डी इज इक्वल टू हमने कितना लिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कितनी आ जाएगी 16। तो 16 mm हम नट की थिकनेस ले लेंगे यहाँ पर, 16 mm मार्क कर लेंगे यहाँ पर 16, और 16 पर एक लाइन मार्क कर लेंगे जिससे हमें नट की थिकनेस का अंदाज़ा हो जाए। अब नट में लेते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर 2D, तो 2D डिस्टेंस ले लेंगे हम, 2D कितना हो जाएगा 2 × 20 यानी कि 40, तो 20 लेफ्ट साइड 20 राइट साइड, तो 10 और 20 पे हमने निशान लगा लिया यहाँ पर, और 10 और 20 पे हमने इधर भी निशान लगा लिया, 10 और 20, 20 पे हम क्लोज वर्टिकल लाइन, और यहाँ भी हम 20 पर वर्टिकल लाइन। अब ये हमारा जो 2D हो गया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक 10, ये पूरा डायमीटर 20 है, फिर 10 इस तरफ, 10 इस तरफ, ये 2D की फॉर्म में आ गया। अब हम इसको सेंटर लेके रेडियस लेते हैं 1.4D, मैंने आपको बता रखा है पहले भी, 1.4D होती है रेडियस ऑफ चैम्फर, 1.4 × 20, तो ये 28, तो 28 mm कंपास में लेंगे हम भर के, डिस्टेंस ले लेंगे 28, 10, 20, 25, 28, तो यहाँ पे हमने 28 लिया, और इस सेंटर लाइन जैसे मैं एग्जाम अंदर बता, मैं कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पे सेंटर कट किया, इसको फिर आपने अगेन यहीं पर रख लिया और आर्क लगा दिए एक, और इस आर्क के बाद यहाँ पर मैंने बताया था दोनों आर्क के एंड को मिलाते हुए एक लाइन मार्क कर लेंगे, दोनों आर्क के एंड को मिलाते हुए। फिर इसके बाद मैंने आपको बता रखा है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन तीनों को फ्री एंड भी मिला सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ कंपास भी हम मिला सकते हैं। ये मिला दिया, यहाँ से फिर इस पॉइंट से 30 डिग्री विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर 30 डिग्री, और इस पॉइंट से भी, और 30 डिग्री के बाद इन तीनों को, 30 डिग्री वाली लाइन और तीनों आर्क को मैच करते हुए आपने इसको मिला दिया प्रॉपरली, और जो लाइन विजिबल हैं उनको डार्क कर दिया, जो हमें नट में दिखाई देंगी सामने से, ये नट का विजिबल पार्ट है जो हमें दिख रहा है। अब जो ऊपर की तरफ पोर्शन निकल रहा है वो बोल्ट है, ऊपर की तरफ जो भी हमारा पोर्शन है वो बोल्ट है, ऊपर की तरफ जो पोर्शन है बोल्ट है, इसको हमने क्लोज किया यहाँ पर, और ओवल शेप दे देते हैं, मैंने आपको बताया हुआ पहले से, दूर कंपास रख के भी हम बना सकते हैं इस ओवल शेप को। और इस पोर्शन में क्या आएंगी बच्चों, आप सबको पता है, यहाँ पर आएंगी थ्रेड, 5 डिग्री टेबल लेना है, 5 डिग्री, एक लाइन आएगी ऐसे, एक लाइन आएगी बिल्कुल डार्क जो दोनों तरफ मैच नहीं होगी, जो लाइट लाइन है वो दोनों तरफ मैच होगी, 5 डिग्री से ज़्यादा बनाओगे तो वो थ्रेड नहीं होंगी, इस तरह से दैट इज थ्रेड। हम यहाँ पे भी थ्रेड दिखाएंगे इसकी आधे पोर्शन में लगभग, थ्रेड यहाँ पे हम दिखाएंगे ऐसे ही, एक लाइन ऐसे आएगी, एक लाइन आपकी आएगी डार्क, एक लाइन लाइट होगी जो दोनों तरफ मैच करेगी, इस तरह से दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्रेड। तो इस तरह से बच्चों ये हुक बन गया, ऊपर का पोर्शन हमने कवर कर लिया, लेग पार्ट, वाशर, नट और रिमेनिंग बोल्ट। अब हमें क्या करना है, इसको हम सेक्शनिंग व्यू बनाते हैं, थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, इसको यहाँ से फ्री एंड, बाकी बोल्ट में भी लेते थे हम ऐसे ही, यहाँ पे भी हम फ्री एंड लेंगे, एक बार इसको यहाँ पे हम क्लोज करेंगे, यहाँ पे हमने क्लोज किया, और साथ साथ हमने दूसरी लाइन भी यहीं पर ले ली,
थोड़ा सा गैप छोड़ के, बना दिया। और यहाँ से फ्री हैंड, यहाँ से फ्री हैंड लेना आपको बिल्कुल, यहाँ से भी फ्री हैंड, और इसको आपने आके मिला देना है। यहाँ पे आरसीसी मिक्सचर हमें भर देना, वही जैसे हम भरते थे, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट। आरसीसी का मतलब रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट। जैसे हम यहाँ पे आरसीसी का मिक्सचर पूरा भर देंगे, जिससे बोल्ट सेट हो जाएगा पूरा अपनी जगह। और इसके अंदर हमने क्या, किसमें, इसमें एडिशनल फैसिलिटी है कि इस बुक के अंदर हुक गिवन है, हुक। इस ये पार्ट ज़मीन के नीचे वाला पार्ट है, इसके अंदर ये हुक है, और हुक के अंदर एक रोड हमने ऐसे फंसा दी, ओरिजेंटल रोड। जैसे ये हुक है और हुक के अंदर हमने ऐसे रोड फंसा दी है, ये हुक हो गया आपका, ये राउंड हुक है और हुक के अंदर एक रोड हमने ऐसे फंसा दी है, तो अब ये बोल्ट ऊपर की तरफ नहीं निकलेगा। और जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, जो दिख रहा है, विजिबल है, उसको हम डार्क कर देंगे यहाँ तक। मैं बच्चों बता दूँ ये सेक्शनिंग व्यू भी क्यों दिखाया, क्योंकि इस बोल्ट की अगर लेंथ की बात करें, इस बोल्ट की जो टोटल लेंथ होती है वो 6D के आसपास होती है बच्चों, 6D। मैं अगर यहाँ से रिप्रेजेंट करूँ ये वाली सेंटर लाइन और ये वाली सेंटर लाइन, तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है 6D, जो बहुत काफ़ी डिस्टेंस होता है। तो जब ज़्यादा डिस्टेंस होता है, ऐसे ड्राइंग शीट पर दिखाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ये 6D लिया, 6D में हम क्या करें, बीच में सेक्शनिंग करके दिखा दिया। इसका मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको ब्रेक किया, तो 6D डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आई होगी, और काफ़ी ईजी है इसको बनाना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग इट।